दूसरों में टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि उनके कारनामे सिर्फ अररिया में नहीं पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। फर्जी भर्तियाँ की SIT की जांच हो गई है, SIT की जांच रिपोर्ट सबमिट है। रुपया लेकर के 10-10, 12-12 लाख रुपया लेकर के उन्होंने मजदूर भर्तियाँ की थी, उसकी पूरी जांच हुई है। और पूरे प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला किया है ये आपने देखा नहीं है, पूरी जाँच हो रही है। ये आपका जो सिंचाई विभाग में लघु सिंचाई में इतना बड़ा घोटाला हुआ है चेक डैम निर्माण के रूप में, इसका कोई जवाब नहीं। उनके सरकार में उनके मंत्री उनके खिलाफ रिपोर्ट देते हैं चेक डैम को लेके, इनको सरकार ने इनको मंत्री पद से हटा दिया। चेक डैम को लेके मंत्री पद से हटाया, पंचायती राज मंत्री में फर्जी भर्तियों को लेकर उनको भ्रष्टाचार के आरोप में हटाया था। उनको पशुधन में फर्जी भर्तियों के नाम पर रुपया लेकर भर्तियों के नाम पर उनको हटाया गया था। उनके भ्रष्टाचार उनकी डकैती के नाते ही सरकार ने उनको हटाया था, तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जहाँ तक विकास की रही बात, इस 1.5 साल के पहले भी हरैया को लोगों ने देखा है और 1.5 साल के बाद हरैया के लोग देख रहे हैं। तो मुझे कहने सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ताकि हरैया की जनता से पूछे और पूरे बस्ती के लोग जो हरैया की विभिन्न सड़कों से गुजरते होंगे उनसे पूछे कि विकास तब हुआ था कि डेढ़ बिराल में विकास हुआ है।